हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे सेशन ट्रिक विद हिटलर गुरु में। आज हम बात करने वाले हैं राशियों के बारे में, जिन्हें प्यार से हम क्या कहते हैं, क्वांटिटीज। तो राशियां अपनी दो प्रकार की होती है। एक ट्रिक है, बेहतरीन सीख जो आप लोगों के सामने मैं पेश करूंगा, और आप लोगों को वो ट्रिक इतनी पसंद आएगी कि आपने जिंदगी में कभी ऐसी ट्रिक नहीं पढ़ी है। अपन जो ट्रिक बेसिकली देखते हैं वो एक सेंटेंस के रूप में देखते हैं, लेकिन आज आप पहली बार, क्या पहली बार, एकमात्र वर्ण की ट्रिक देखोगे पूरे अदिश एंड सदिश में, जिन्हें हम वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करने से पहले एक शायरी छोटी सी जो आप लोगों के अंदर जोश भर दे, उससे स्टार्ट करते हैं। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, और गुरु वही जो नौकरी दिलाए। इसलिए मत बैठो थाली और इसी बात पे ठोको ताली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अपन पढ़ने वाले आज अदिश राशि एंड सदिश राशि, और इनको हम एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद इनकी ट्रिक देखेंगे। देखिए, सबसे पहले संवेग। सदिश राशियों में संवेग, आवेग, वेग, बल, त्वरण, विस्थापन, ये तो है सदिश राशियां। दूसरी है चाल, दूरी, ताप, कार्य, समय, आयतन, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ये है अपनी अदिश राशियां। इनके अंदर क्या होता है, परिणाम और दिशा अपनी ज्ञात होती है, जबकि इनके अंदर अपनी ना तो इनके अंदर दिशा निर्धारित होती है, बट इनका जो परिणाम है वो निश्चित होता है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, जो अपनी ट्रिक है वो मात्र एक वर्ण की। कौन सा वर्ण है, हिंदी का, जिसे हम कुछ इस प्रकार से दर्शाते। हाँ, ये एक वर्ण है जिसको हम क्या कहते हैं, प्यार से वह। ठीक है, इसका नाम तो सभी ने सुना ही होगा। अब देखिए, ये जो वर्ण है, या फिर इस शेप में ये भी आ सकता है, ध्यान रखना, वह या वह, मतलब आपको केवल ये याद रखना है कि वह इसके बाद में इसमें ये भी आ सकता है। ठीक है, याद रह जाएगा। चलिए, तो अपनी जो अल्फा प्रिय जो है वर्ण, वो कौन सा है, वह वर्ण है। और वह वर्ण में देखिए, सदिश राशियों में जितने भी हैं उन सब में वह आ रहा होगा। देखिए, संवेग में वह, आवेग में वह, वह इसमें वह आ गया, इसके अंदर वह और इसमें ध्यान रखना, वह से विस्थापन। ठीक है, यानी कि हम सदिश राशि को प्यार से क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर यानी कि वी, और वी से क्या बनता है अपना वे। ये भी एक लॉजिकल आप लोग ध्यान में रख सकते हो। इसी के बाद में एक आप बोलोगे कि सर इसके अंदर तो इसमें अगर वे नहीं आए वो, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, आप ये नहीं बोल सकते कि विद्युत धारा, ये करंट है ना, करंट उसको आई से डिनोट करते हैं, ध्यान है, आई से। और करंट का ओनली फोर धारा होती है, करंट क्या होती है, धारा। ये विद्युत तो अपन समझने के लिए दूसरी तरीके से भी मैं इसको बता सकता हूं, ये एक अपवाद है। ठीक है, यदि आप इसको इस तरीके से देखोगे तो ये अपवाद है इसका, सदिश राशि का। और कैसे है, इसके अंदर परिणाम भी है और क्या है, दिशा भी है, लेकिन ये सदिश ये योग का अनुपालन नहीं करता, इसलिए इसको घर से बेदखल कर दिया। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो धारा है वो क्या है, एक स्त्रीलिंग। और आपको पता है लड़कियों की एक खासियत, अगर ससुराल में कुछ भी दिक्कत है गांव वापस आ जाती है और एक ही गाना गाती है, सासरे ना जाऊंगी जवाई तेरा प्यार है। तो इसलिए इसको हम अदिश राशि में रखेंगे।
तो ये थी अपनी आज की एक बहुत ही बेहतरीन सी ट्रिक, आशा करता हूं आप लोगों को समझ आई होगी। यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। ओ हो, अरे बेटा क्यों कर लोड ले रही है तू, तो के तेरे पोते तक इसको भूल ना पाएंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए गुरु हिटलर के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।